चंद्रपुर शहर के मूल तहसील में स्थित सुशी गांव में किसान के खेत परिसर में बाघिन का एक छोटा शावक मिलने से हर तरफ हड़कंप मच गया। उसके बाद क्या हुआ, देखते इस खबर में। सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर को आप लोगों ने काफी सराहा और आप लोगों की बदौलत तकरीबन 2 साल के भीतर ही इसकी लोकप्रियता दिन दुनी राह चौगुनी बढ़ रही है। सीटीवी के शुरुआत के कुछ महीनों में बाघ और तेंदुए की खबर हमने शुरू में सीटीवी न्यूज चैनल में दिखाई थी और खबर के अंत में हमने कहा था कि जाइएगा नहीं, ये हकीकत की फिल्म तेंदुए और बाघ की चल रही है और मानो नियति का चक्र उस शब्द को हकीकत में तब्दील करने पर तुल गया हो। और उसके बाद चंद्रपुर जिले में अनेक जगहों से बाघ तेंदुए के दर्शन या उनसे होने वाली क्षति के बारे में हमने खबर लगातार प्रकाशित की। अब एक ऐसी खबर चंद्रपुर जिले के मूल तहसील से आई है जहां पर मूल तहसील के खुशी दाब गांव में किसान के खेत में एक बाघ का शावक दिखाई देने से हर तरफ खलबली मच गई है। सुशी के नामदेव शेंडे इस किसान के खेत में आज सुबह यह शावक दिखाई दिया। भारतीय वन्यजीव संस्था के सदस्य महेश धीरे तथा उनके सहकारियों ने इस शावक को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई और वर्तमान में यह शावक वन विभाग के कब्जे में है। घटनास्थल पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं। इस शावक के साथ उसकी माँ बाघिन आसपास के परिसर में होने की बात कही जा रही है। वन विभाग की पदक की मदद से इस बाघिन की तलाश जारी है। शावक के इस परिसर में दिखाई देने से हर तरफ दहशत का माहौल है। घटना की आगे की जांच वन विभाग की टीम कर रही है। सीटीवी के लिए हेमंत शेंडे के साथ आशीष करोली की रिपोर्ट।